नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर गए हुए हैं और उन्हें श्रीलंका की पार्लियामेंट को संबोधित करके अपना भाषण देना था और वो श्रीलंका की पार्लियामेंट से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और कश्मीर के खिलाफ झूठ बोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसको देखते हुए भारत ने श्रीलंका को यह मंच प्रदान न करने के लिए आग्रह किया और इस पर श्रीलंका ने उन्हें बोलने से रोक दिया। और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। मुझे वो दिन भी याद है कि जब राजीव गांधी श्रीलंका में परेड का मुआयना कर रहे थे और पीछे से उन पर अटैक हुआ था। नफरत की बात है, कितनी नफरत थी उनमें। तो तमिलों में और दूसरे जो हिंदू हैं उनकी आपस की लड़ाई का भी मुझे अच्छी तरह पता है। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के खिताब का मसला है। मुख्तलिफ इतलात हैं, एक इतला ये है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, एक इतला ये है कुछ अराकीन असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन भारत तमाज होंगे वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के। तो देखिए, श्रीलंका के साथ जो नौयत है ताल्लुकात की वो बड़ी गहरे हैं और बाद अवकात पोलिटिकल लेवल पे वो इतनी गहराई नजर नहीं आती। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, वो बड़े एक्सपोज हैं इंडियन प्रेशर को, बिल्कुल करीब है उनका मुल्क। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी मुसलमान वहाँ पे हैं और वो सोचते हों कि अगर इमरान खान ने इस्लामोबिया पर कोई बात कह दी तो उनको अंदर प्रॉब्लम्स ना पेश आएँ। मेरे ख्याल में इस दौरे को एक तो आप बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और दूसरा रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा कि श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नेपाल के साथ बेहतर हो रहे हैं। उसके पीछे एक फैक्टर है, वो है चीन, क्योंकि चीन का बहुत ज़्यादा असर रसूख है श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत बल्कि मगरब और अमरीका भी बहुत परेशान है। और 2015 में क्या हुआ कि जब महिंदा राजापक्षे जो अब वज़ीर आज़म हैं वो उस वक्त सदर थे, जब वहाँ पर इंतखाबात हुए श्रीलंका में, तो रॉ और CIA ने वहाँ पर इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके महिंदा राजापक्षे को हरवा दिया वहाँ पे। और उसका मकसद ये था, क्योंकि महिंदा राजापक्षे जो हैं वो कहा जाता था कि बहुत प्रो चाइना है। इसका मतलब है कि चीन का जो असर रसूख बढ़ रहा है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें हम, तो उसमें जिक्र भी किया महिंदा राजापक्षे ने कि CPAC एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसमें श्रीलंका भी जो है उसका हिस्सा बन सकता है, जो भी BRI है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है और शायद भारत की जो परेशानी है वो किसी हद तक जायज भी है। इसी बेल्ट में जिस तरह चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान से बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान से बेहतर हो जाए, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, तो हमें अपने ब्लॉक से बाहर जाने की जरूरत नहीं। और मेरे ख्याल से अमेरिका को परेशानी भी यही है कि अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन जाता है तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन ये श्रीलंका का दौरा बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रिकेट के दौर से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस दौरे की बात कर लीजिए, खिते के हिसाब से बहुत अहम है। एक तरफ चीन है, चीन का रसूख है, तो दूसरी तरफ भारत के खदशात भी मौजूद हैं। श्रीलंका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46वां इजलास है उसके अंदर उसकी कोशिश है OIC मेंबरान की वो हिमायत ले सके। एक उसकी ये एफर्ट भी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके साथ हिमायत उसको रहे। दूसरा भी ऊपर COVID-19 लेके जो वहाँ मुसलमान है और उनके लिए जो उनके वजीर आजम की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी मुझे लेटेस्ट पता चला है वो हुकूमत की जानिब से उसको फिर वापस ले लिया गया है कि जो उनका प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है वही मुस्लिम्स के लिए भी चलेगा। तो खिताब ना होना और कुछ इस तरह के वाकयात को लेकर जो भारत का असर भी श्रीलंका में किसी हद तक का मौजूद है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि श्रीलंका चाइना का एलिमेंट भी पूरी तरह से मौजूद है, वो किसी भी तरह इस दौरे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना चाहेंगे, ना कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो किसी तरह। देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया भीगी बिल्ली की तरह बिलबिला रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर